So on 25th, sorry, और 25th नवंबर 2019 के लिए मैंने ये स्टॉक्स चुना है। आप लोग जानते हैं मैंने बाय सेल लेवल कम स्किनर देके मैंने रेगुलर व्यू देता हूँ, तो उसका ये स्टॉक्स मैंने चुना है। इसका लेवल आप लोगों को दिखाऊंगा, उसका मैंने बहुत सारा चीज़ और भी बताऊंगा, तो आप लोग कैसे स्क्रीन किया जा सकता है, कैसे ये बाय सेल लेवल को काम कर सकता है, कैसे बाय सेल लेवल 3 को यूज़ करके आप लोग शेयर प्रॉफिट कमा सकता है, ऑलमोस्ट शेयर प्रॉफिट कमाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा होगा, तो वो भी बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत सारा चीज़ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर देता हूँ, ये बाय सेल लेवल का रिकमेंडेशन देता हूँ, और जो बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी देगा वो भी आप लोग को देता हूँ, और सेफली कैसे ट्रेड किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स कैसे चुन के आप लोग इन्वेस्ट कर सकता है वो भी आप लोग देख सकते हैं उधर। तो उधर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए जो जितना सारा, ताकि और भी लोग आप इसको इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए देखते हैं, मैंने ये जो देखी, मैंने जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बना है, इसमें मैंने बहुत बारी बोलता हूँ तो और भी बोलता हूँ क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। इसमें बाय सेल लेवल 1, बाय सेल लेवल 2 और बाय सेल लेवल 3 रहता है, ये बाय सेल लेवल 2 और ये बाय सेल लेवल 3 रहता है। तो इसको मैं बाय सेल लेवल कम स्किनर देखे स्क्रीन करके आप लोग को रिकमेंडेशन देता हूँ। तो ये बाय सेल लेवल स्किनर में तीनों लेवल रहता है और मोस्ट रिकमेंडेड मेरा जो है बाय सेल लेवल 3। इधर भी आप लोगों को बाय सेल लेवल 3 मिलेगा, लेकिन मैंने जो बाय सेल लेवल 3 का अलग से फाइल बनाया हूँ तो इसका लेवल कुछ अलग है। तो इसमें ये बाय सेल लेवल कम स्किनर में आप लोगों को एक तीनों बाय सेल लेवल मिलेगा और एक स्ट्रेटजी मिलेगा, कुछ पैरामीटर्स है, वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन प्राइस और कुछ इंडिकेटर्स और प्रोबेबिलिटी, ये सब आप लोग देख सकते हैं इधर से। तो ये देख के आप लोग स्किन कर सकते हैं। और ये जो बाय सेल लेवल 3 है, इसमें जो बाय सेल लेवल 3 है और इसमें जो बाय सेल लेवल 3 है ये तो कुछ अलग है। ये बाय सेल लेवल 3 में मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के लिए बाय सेल लेवल रखा है। सोच लीजिए अप ट्रेंड में स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है वो भी आप लोग को इधर से पता चल जाएगा। इधर से ट्रू फॉल्स आप लोग को दिखा देगा कौन सा लेवल पे है। तो अप ट्रेंड से जब और भी अप ट्रेंड में जाएगा तो कौन सा लेवल पे वो उसको पकड़ना है, और जो अप ट्रेंड से रिट्रेस करके नीचे आएगा तो कौन सा लेवल पे उसको सेल करना सबसे सेफेस्ट रहेगा, और डाउन ट्रेंड में है तो इसको रिट्रेस करके बाई लेवल पे जाएगा तो वो कैसे कौन सा लेवल पे उसको एंट्री लेना है, और डाउन ट्रेंड और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल पे एंट्री लेना है, ये सब चीज़ आप लोग को इधर से मिल जाएगा। इसीलिए मैंने अप ट्रेंड और बाई डाउन ट्रेंड बोथ साइड में मैंने बाई और सेल लेवल रखा है, और इसमें इधर से मैंने फॉर्मूला दे के बनाया है कौन सा लेवल पे है वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। तो और कौन सा लेवल क्लोज पे है वो भी आप लोग को दिख जाएगा। तो इधर ये जो स्किनर है, इधर वो बाय सेल तीनों बाय सेल लेवल रहता है और एक स्ट्रेटजी है, और इधर भी कुछ इंडिकेटर, ये दूसरा इंडिकेटर लगा हुआ है, मूविंग एवरेज ही है लेकिन दूसरा कुछ स्ट्रेटजी देखे लगा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये बाय सेल लेवल स्किनर ऐसे आप लोग को काम पे आएगा, और बाय सेल लेवल सबसे ज़्यादा जो आप लोग को काम पे आएगा ये बाय सेल लेवल 3 है। तो इसमें ओनली बाय सेल लेवल 3 है, तो इसमें आप लोग ये देख के आप लोग सेफ एंट्री ले सकता है एंड करेक्ट एंट्री ले सकता है, जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि सियोर प्रॉफिट आएगा। तो ये मैंने इसमें 150 FNO स्टॉक्स है, और कमोडिटी का लेवल रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल रहता है, और जितना सारा FNO स्टॉक्स है उसका फ्यूचर्स का लेवल रहता है।
तो ये मैंने एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में मैं आप टाइम टू टाइम अपडेट कर देता हूँ। जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होता है फ्री ट्रायल के लिए, पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग फिर शामिल होता है और आप लोग पेड सर्विस लेंगे तो ये आप लोग को ये फाइल आप लोग को एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा। और ये जो बाइसल लेवल 3 है ये एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा काम करता है, कमोडिटी भी काम करता है। लेकिन कमोडिटी को अपडेट करना ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार आप लोग को एंड ऑफ द डे जो प्रीवियस डे में दे दूंगा, अगला दिन में दे दूंगा, उसी का लेवल में आप लोग इक्विटी सेगमेंट में आराम से काम कर सकता है, कमोडिटी में भी काम कर सकता है। लेकिन कमोडिटी को मैंने फिर से अपडेट कर देता हूँ और इक्विटी भी अपडेट करता हूँ और पेयर ट्रेडिंग का भी आप लोग को कॉल देता हूँ। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके कुछ दिन मेरा ये लेवल देख सकता है और आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग इसको पेड सर्विस ले सकता है। तो इसमें देखता है और भी बहुत सारा चीज़, ये सब का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और बहुत सारा इम्पोर्टेंट वीडियो का लिंक, जो कैसे इसको स्क्रीन किया जा सकता है, इसका परफॉर्मेंस मतलब बाइसल लेवल जो मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ उसका कैसा परफॉर्मेंस, इसका लिंक सब आप लोग को यूट्यूब उसमें यूट्यूब वीडियो बनाया हूँ वो आप लोग भी सब्सक्राइब करके देख सकता है। तो देखिए ये बाइसल लेवल 1 में मैंने पहले देखा था हूँ, बाई 1 बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ, ये भी अच्छा लेवल काम करता है। आप लोग इंटरडे में इसको इस्तेमाल करके लेकिन देख सकते हैं और लाइव मार्केट में जो अपडेट करता हूँ वो भी आप लोग देख सकता है। और टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ और टारगेट 4-5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ, तो इसको आप लोग को कैसे करना है, गैप अप और गैप लो कौन सा लेवल पे है आप लोग को देख लेना है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल को देखना है कि नेक्स्ट लेवल क्रॉस होने के बाद एंट्री लेना है नेक्स्ट लेवल का टारगेट के लिए, और इस पीछे वाला लेवल आप लोग को स्टॉप लॉस रह जाएगा। और जो बाइसल लेवल 3 का जो भी आप लोग को बताता हूँ वो भी आप लोग जो मैंने जब ये बाइसल लेवल 2 आप लोग नोटिस कीजिए, मैंने तीनों लेवल दिखाता हूँ। और जो बाइसल लेवल 3 का जो मैंने का लेवल जो मैंने बता रहा हूँ जो अलग से फाइनल फाइल बनाना है वो आप लोग को लाइव पहले दिन आप लोग देख के स्टॉक्स चुन के रख सकता है कौन सा लेवल पे कौन सा है। उसके बाद जब लाइव मार्केट में जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो कौन सा लेवल पे है वो आप लोग देख सकता है, उसका लेवल देख के आप लोग गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा, जो नेक्स्ट हायर लेवल या नेक्स्ट लोअर लेवल जो आएगा उसको आप लोग उसमें आप लोग ट्रेड का एंट्री ले सकता है। मैंने आप लोग मेरा वीडियो देखिए, कैसे परफॉर्मेंस वाला वीडियो देखिए, उसमें आप लोग को अच्छी तरह से पता चल जाएगा। उधर मैंने अच्छी तरह से मतलब एक्सप्लेन किया, क्लैरिफिकेशन किया। यह निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी का आप लोग देख लीजिए इधर से। मैंने उस अगला वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के डायरेक्शन में मैंने बाइसल लेवल 3 का 3 में निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल मैंने दिखा दिया, वो भी आप लोग उधर से देख लिख सकता है। कमोडिटी का लेवल दिखाता हूँ, और बाइसल लेवल का लेवल आप लोग को जो लोग पेड सर्विस में ज्वाइन करेंगे उसी में आप लोग को मिल जाएगा। और इसका सैंपल फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये फाइल कैसा है वो पूरा फाइल आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसका लिंक भी ये यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को मिल जाएगा। क्वांटिटी का और भी 2-4 है, उसको दिखा देता हूँ। इधर से मैंने बाइसल लेवल 3 में भी आप लोग को कमोडिटी का लेवल दिखा देता हूँ, इसमें अपडेटेड है, उसमें देख के आप लोग काम कर सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी का पे भी आप लोग देख ले सकता है इधर से। और
और कुछ इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बोलना चाहता हूँ, शायद टाइम नहीं होगा।